सीहोर जिले के इछावर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी विभागों जनपद सदस्यों की समीक्षा बैठक रखी गई। इसका जनपद सदस्यों ने बहिष्कार किया। साथ ही सीईओ शिवानी मिश्रा, जनपद अध्यक्ष रेखा जगदीश पायल पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। जनपद सदस्यों का कहना है कि जिन सदस्यों द्वारा कमीशन दिया जाता है उनके वार्ड में निर्माण कार्यों के लिए राशि स्वीकृत दे दी जाती है और जो कमीशन नहीं देते उनका बजट ना आने का हवाला देकर मामला खत्म कर दिया जाता है। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि जनपद सदस्य निधि में दी जाने वाली राशि की कोई भी जानकारी नहीं मिली है, हमारी बिना सहमति के राशि का व्यय किया जा रहा है। जनपद पंचायत में जितनी भी बैठकें हुई उनमें मात्र कागजों की खानापूर्ति कर हमारे हस्ताक्षर करा लिए गए, इसके बाद बैठकें समाप्त कर दी गई। सीहोर से जवाहरी लाल बामनिया की रिपोर्ट। जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदया ने हमें बुलाया था कार्य योजना के लिए, विस्तार रूप से चर्चा उस पर हुई है। बाकी हमने आज बैठक का बहिष्कार इस विषय के लिए किया है कि अभी तक हमें 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 2.5 वर्ष में अभी तक हमारे 30 कार्य योजना बना चुके थे। 3 कार्य योजनाओं में से सिर्फ 1 कार्य योजना का पैसा सिर्फ 5 जनपद सदस्यों को ही प्राप्त हुआ है। उससे पहले जो हमारे चुनाव हमारे जीतने से पहले जो पंचायत बोर्डी थी जनपद सदस्य थे उनका भी पैसा आज तक का बचा हुआ 50,000 रुपये ही सिर्फ स्वीकृत किया गया है। 50,000 रुपये की राशि आज 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन 3 वर्षों में भी नहीं मिली है। तो इसीलिए आज हमने सारे जनपद सदस्यों ने इसी बैठक का बहिष्कार नहीं, आज के बाद जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इस जनपद पंचायत इछावर में कोई भी कार्य योजना हमारे द्वारा तैयार नहीं की जाएगी। बोलने का मौका नहीं देती और जब हम काम के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ दंड फैलाने आते हो। इस तरह का केके हर जनपद सदस्य को दबाते हैं और सुनते नहीं है और काम देती नहीं है। ढाई साल हो गया, कार्यकाल लगभग खत्म होने की कगार पे है। अभी फूटी कोली नहीं दी, बड़ी बड़ी पंचायतों में नहीं दी, जबकि सरपंच से अधिक बड़ा क्षेत्र होता है जनपद का, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं दी और यहाँ जनपद सीओ सुनने के लिए तैयार नहीं है। की आवाज बिठाई जा रही है दवा से और सही बात बोलने नहीं दे रहे हैं और उनका बजट 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल में कोई बजट नहीं दिया गया, किसी भी जनपद को नहीं दिया गया है, कोई भी जनपद सदस्य को नहीं दिया गया और कह रहे हैं कि साइन करवा लेते हैं हर मीटिंग में और भेज देते हैं समोसा चाय पिला के, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सदस्य ने जो बहिष्कार किया, क्या है पूरा मामला? आज जनपद की बैठक बुलाई गई थी सामान्य सभा की और सभी माननीय जनपद सदस्यों को पूरी बैठक में सभी विभागों को उपस्थिति लेके उनसे जब वो समस्त विभागों से उनका रिव्यू करके जैसे होना चाहिए नियमानुसार कार्रवाई चल रही थी। और इसके बाद जनपद पंचायत जनपद सदस्य खैरी जिनको शायद पूर्व वर्षों में पिछले 2 साल पूर्व जो कार्य योजना थी उसमें कुछ राशि हमने जारी की थी 5 लाख रुपये, तो वो उसके बारे में वो उनने पूछा था कि यह राशि जारी हुई थी, अभी राशि को जारी किए हुए समय हो चुका है। तो इसी बात पे उन्होंने बोला कि उनके पास जानकारी नहीं है जबकि उनके लेटर पैड में ही हमने लिख के दिया था। तो और राशि के आवंटन को लेके ही उन्होंने, क्योंकि हमको लक्ष्य जो है बजट जो है वो 89 लाख तक कुछ आता है, तो नियमानुसार सभी धीरे धीरे हर जनपद सदस्यों को हर साल में हम लक्ष्य देते हैं और जिला स्तरीय समिति से भी वो प्रूफ होता है, बकायदे नियम से ही होता है। उस संबंध में ही उन्होंने साइन नहीं किए थे अटेंडेंस रजिस्टर में। जनपद सदस्यों का आरोप है कि कुछ जनपद सदस्य उनको राशि जारी की जाती है, बाकी हमको तो अभी तक 2 साल के अंदर 2.5 साल मालूम पड़ा है राशि जारी नहीं करी। नहीं, सभी जनपद सदस्यों को पहली मीटिंग में ही मोटर पंप के लिए 1 लाख रुपये जारी किए गए थे जिसमें से 50,000 रुपये पंचायत को दे भी दिए गए हैं। कुछ पंचायतों ने क्रय नहीं किया इसलिए हमको दूसरी डिमांड हमने दी नहीं है। जब तक हमारे पास डिमांड नहीं आएगी हम राशि नहीं जारी करना, उनका कहना था कि आप पूरी राशि जारी कर दें। कुछ आरोप लगा रहा है कि जनपद सीओ के द्वारा कमीशन खोरी की जाती है। नहीं, जनपद सदस्य ने यह आरोप लगाया, कोई बात मेरे सामने की भी नहीं और हमारे पास कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। जितनी उन्होंने डिमांड्स दी है सारी राशि हमने जारी कर दी है और इसमें बस समस्या ये है कि एक बार में सभी जनपद सदस्यों को हम राशि दे पाते, हर साल में हमने साइकिल उनकी सहमति के बाद ही तय हुआ है कि हर बार हम दो चार जनपद सदस्यों को देंगे कि 5 साल में सभी के पास पर्याप्त राशि पहुंच जाए। अभी अटेंडेंस में साइन नहीं कर रहे थे और आधी मीटिंग कंप्लीट हो गई थी, उसी को लेकर जब मैंने बोला कि आप अटेंडेंस रजिस्टर में साइन कर दीजिए तो वो उठ के सभी लोग चले गए, इसलिए आज की बैठक संपूर्ण नहीं हो पाई। हम पुनः बैठक नहीं आयोजित कर।